परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनौ का से किया जिसने भव से पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकरण कारण कृपा से देवादिदेव श्री राम के आशीर्वाद से परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के सन्निधि 64वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ अभूतपूर्व दिव्य वाणी द्वारा एवं अनुभूतियों द्वारा कल इसका समापन हुआ। ये देव आदि देव की कृपा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद है। जिनको ये यज्ञ प्राप्त होते हैं इसमें बैठकर जाप होता है, उनको ये ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि देव आदि देव की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि आ अवतरित हुई है, तभी मैं यज्ञ में सम्मिलित हो पाया। इस महानतम यज्ञ में ब्रह्मलोक से ऋषि मुनि संत महात्मा सम्मिलित हुए, वह भी समय ब्रह्म मुहूर्त इस यज्ञ में ध्यान में लीन सम्मिलित हैं अपने आशीष देने के लिए। और देवी देवताओं का आगमन इस यज्ञ में बना रहा, देव सुगंध साधकों ने अनुभव की। ये सब देव आदि देव की कृपा, समापन पर इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब का होना, ये सब सूचित करते हैं कि देव आदि देव श्री राम स्वयं विद्यमान रहते हैं। परम पूज्य श्री इसका संचालन स्वयं करते हैं, तभी ये यज्ञ निर्विघ्न इस प्रकार अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज ने कहा है ये जो राम नाम हम सब भाव चाव से इसका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, इसकी उपासना करते हैं, ये अनमोल रतन है। अनमोल रतन चिंतामणि है, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसकी महिमा भी अनमोल है, कोई मोल नहीं, तोल मोल नहीं। इसकी अपार शक्तियों को केवल अनुभव किया जा सकता है। अतुल प्रभाव श्रद्धा से भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ जो इसका सिमरन करता है, ध्यान करता है,
अतुल प्रभाव, अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप, मानव का ये मानव को तारने वाला है, भव सागर से पार पाने वाला है, मृत्यु और जन्म के रोग से छुटकारा दिलवाने वाला है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। वह अपार शक्तियों का स्वामी, जो भी मानव भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ इसकी शरण लेता है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, कोई भी शंका नहीं रह जाती, मानव का कल्याण अवश्यमेव हो जाया करता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया, इस सारे ज्ञान को जानते हुए भी मानव प्रायः प्राकृत पदार्थों में और प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में इस सत ज्ञान के विशेष प्रभाव को नहीं जान पाता। वह प्राकृत पदार्थों की भूख प्यास में ही निमग्न इस ज्ञान को सुनकर भी इस मार्ग पर नहीं चलता, वह जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में तथा मोह ममता में ही विचरते रहते हैं। परिणाम स्वरूप अमृत का त्याग करके विषय वासनाओं में विचरने वाला, परिणाम स्वरूप अशांति को पाते हैं, दुख को पाते हैं, कष्ट वादा विघ्न जीवन का अंग बन जाते हैं। वे व्यर्थ अपना समय व्यतीत करते हैं, जो मनन करता है इस ज्ञान को, श्री राम की शक्तियों को मनन करता है, चिंतन करता है और प्रयत्न करता है, तप कायक तप है ये, उस ज्ञान अनुसार उसको स्मरण करता हुआ, उसका चिंतन करता हुआ, जो राम नाम की महिमा गाई, उसके भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ नित निरंतर लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्नशील है, वह राम नाम की शक्तियों से प्राचित हो जाता है, उसको अनुभव करता है। अब जो प्राकृत पदार्थों में ही विचरते हैं, लालसा बनी रहती है, कामना
और प्राप्ति हो और प्राप्ति हो, उन्हें शांति कहां से होगी। वह अहंकार सहित उनके कार्य हुआ करते हैं, मैं करने वाला हूं। भगवान ने कहा, हे मानव, अर्जुन को निमित्त बनाकर तो स्थिर बुद्धि हो। स्थिर बुद्धि में क्या उचित क्या अनुचित इसका निर्णय बड़ी सुगमता से हो जाएगा। ये अशांत रहना, उसका कारण पदार्थों के रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार है अशांति का कारण। जो कर्तव्यशील मानव होगा, इस ज्ञान को प्राप्त करके मनन और चिंतन करने वाला होगा, क्या उचित क्या अनुचित, वह स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है उस अनुसार अपने कर्म कलाप करके जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, हमारे वेदों में, श्रुतियों में, श्री रामायण में, भक्ति प्रकाश में, अमृतवाणी में, जो जो जिस प्रकार से वर्णन किया उसका अनुसरण करके परम शांति को मानव प्राप्त करता है। और शांति में ही सुख है, अशांत जन को सुख कहां से हो। ये सब गुरु महाराज की कृपा है कि गुरु महाराज इस प्रकार हम सबका मार्ग दर्शन करते हैं, सतपथ को दर्शाते हैं, तो साधक को बड़े सचेत रहकर गुरु महाराज के कथन के अनुसार